शहर के बीचों बीच स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य दहशत के साए में दांव पर लग रहा है। स्कूल के पास में मुक्ति धाम है, पीछे खुला पड़ा कुआं है और बिल्डिंग और बाउंड्री भी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में कई बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, लेकिन जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए दहशत के साए में देश के नौनिहालों का भविष्य। पीछे खुला कुआ, सामने जर्जर होती बाउंड्री वॉल, पास में मुक्ति धाम और दहशत के साए में दांव पर लगता बच्चों का भविष्य। ये तस्वीरें हैं शहर के नीमच सिटी रोड स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय की, जहां बच्चे डर के साए में स्कूल आने को मजबूर है। हालात ये है कि वर्तमान में इस स्कूल में सिर्फ 7 बच्चे बचे हैं, बाकी बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया। इस जर्जर बिल्डिंग में स्कूल प्रबंधन ने शिक्षा के लिए कई सहूलियतें दी है, लेकिन स्कूल आने वाले बच्चों में दहशत इतनी है कि बच्चों ने पढ़ाई ही छोड़ दी। वे स्कूल आने को तैयार ही नहीं हैं। जब बच्चों से स्कूल न आने का कारण पूछा तो पता चला कि स्कूल के पास ही मुक्ति धाम है, जिसके कारण बच्चे स्कूल आने से डरते हैं। इसके अलावा स्कूल के पीछे खुला कुआ है और जर्जर होती बिल्डिंग ही बाउंड्री वॉल भी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दहशत इतनी है कि बच्चों के परिजन भी उन्हें ऐसे स्कूल में आने नहीं देते। स्कूल में तो पीछे कुआ है और आगे बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और यहाँ से रोज जाती है ये अर्थिया, जिसे डर लगता है। तो अभी तो 8 बच्चे आए और 25 में से 8 आए, बाकी नहीं आ रहे डर के लिए। ये जाती है, पीछे कुआ है और आगे बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। खेलते नहीं है यहाँ, तो डर के लिए जब बैठे रहते हैं कभी यहाँ बैठ जाते, कभी यहाँ। ऐसे हम इस वक्त मौजूद हैं प्राइवेट बस स्टैंड के समीप बने बेकुंड मुक्ति धाम। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 नीमच कैंट, जो कि शमशान घाट से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ किसी ज़माने में कभी 50 बच्चे पढ़ा करते थे, तो आज लगभग 25 से 30 बच्चों की यहाँ हाजिरी होती है और रोज़ाना 7 या 8 बच्चे ही स्कूल में आ पाते हैं। यहाँ कारण जाना जाए तो स्थिति ऐसी है कि बच्चों को डर लगता है आत्माओं से, जहरीले जानवरों से, और यह विद्या का मंदिर कहा जाने वाला विद्यालय स्कूल कम शमशान ज़्यादा लगता है। आप देख सकते हैं स्कूल की हालत। यह स्कूल पहले इसी रोड पर सामने वाली बिल्डिंग में संचालित होता था। यह बिल्डिंग नगर पालिका की है, जिसे नगर पालिका ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाने के नाम पर खाली करवा लिया। बाद में इस स्कूल को कई सालों पुरानी इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। इस संबंध में जब प्रधान अध्यापक डॉक्टर विनोद शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ जब से स्कूल शिफ्ट हुआ है तब से कई समस्याएं खड़ी हो गई है। पहले 50 बच्चे स्कूल आते थे, अब मात्र 5 या 6 बच्चे ही स्कूल आते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इसको लेकर हमने कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे, कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। स्कूल के बालक हैं, हम उनसे जानेंगे आखिरकार क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? रवि गुजर। कौन सा स्कूल है? शासकीय बालक माध्यम विद्यालय करनागे नीमच के। कहाँ से आते हैं आप और आपके कितने दोस्त और स्कूल में नहीं आते? ये एक दोस्त नहीं आता बस अल्केश, उसको शमशान से डर लगता है और पीछे स्कूल के पीछे वो खुला कुआ है और बाउंड्री हाथ तड़ा से गिरती और सांप, बारिश में सांप बहुत आते जहरीले जानवर। हमारे साथ स्कूल के कुछ और विद्यार्थी, उनसे जानेंगे आखिर क्या स्थिति है। स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं और क्यों नहीं पढ़ने आ पाते? ये डर के वजह से नहीं आते हैं, ये रोज ये जाती ना हत्या जिसकी वजह से। और अभी तो कुल 8 बच्चे हैं, 25 बच्चे में से 8 बच्चे आते हैं। आपने आपके दोस्तों को घर जाकर बोला कभी स्कूल आने के? हाँ, हम जाते हैं रोज, लेकिन वो बोलते हैं हमको डर लगता है जिसके लिए नहीं आते। हमारे साथ स्कूल के प्रधान अध्यापक डॉक्टर विनोद शर्मा है, हम उनसे जानेंगे क्या स्थिति है स्कूल। सर, आपका स्कूल पहले कभी नगर पालिका की जमीन पर हुआ करता था और वहाँ कभी 50 से ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति हुआ करती थी। आज 50 से 25 बच्चे हुए, 25 से 7 या 8 बच्चे स्कूल में आ पाते, क्या कारण है? तो क्या है कि मुक्ति धाम के पास में स्कूल आ गया है, यहाँ कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भर्ती भी नहीं कराना चाहता और भेजता नहीं। हम लाख प्रयास करते हैं फिर भी बच्चे नहीं आ पाते। आपने बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह के उपयोग किए, कई कंप्यूटर ला के रखे हैं आपके निजी खर्च से, ऐसा कहीं स्कूल नहीं देखने को मिला जहाँ कंप्यूटर हो। आपने कंप्यूटर लगाए हैं, उसके बावजूद भी कुछ स्तर नहीं सुधर पाया, क्या स्थिति?
बस मेन कारण यही है कि बच्चे डरते हैं डर शमशान में आने से, क्योंकि पीछे कुआ खाली वो कुआ है जो कि क्षतिग्रस्त है, दीवार इसके बाउंड्री वाल जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। मैंने तो मेरे तरह से बहुत प्रयास किया है, मैंने वाटर कूलर लगवाया है, एक्वागार्ड लगवाया है, अपना कंप्यूटर यहाँ पर लगा के दिया बच्चों को, मगर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। शासन को चाहिए कि वो, आपने कभी इसके बारे में अधिकारियों को बताया कि बच्चों का स्तर गिरता जा रहा है, शमशान के नज़दीक स्कूल आ जाना? जी मैंने काफ़ी दिखा है अधिकारियों को, यहाँ मौके पर बुला करके बताया और उनने कहा है कि हम करेंगे, अभी तक कोई प्रयास नहीं है। यहाँ की दीवारें कुछ इस प्रकार से हो चुकी है कि मतलब हाथ लगाते से बच्चों के ऊपर आ गिरे, और मैदान बच्चों का जो खेलने का मैदान था उसको लोगों ने भैंसों गायों का तबेला तक बना लिया है। हाँ यहाँ तो जानवर आके दिन भर पड़े रहते हैं, मना करते हैं तो भी वो वाले जो चढ़ा बच्चों को ये जानवर चढ़ाते हैं, क्योंकि बाउंड्री नहीं है, जीव जानवर निकलते रहते हैं। और एक्चुअल में ये भूमि आदिवासी विभाग की है, यहाँ पे शिक्षा विभाग ने बिल्डिंग बना दी है जो कि अनुचित है, शमशान के पास कोई बिल्डिंग होना भी नहीं चाहिए। तो एक और तो प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को सुधारने और संवारने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है, लेकिन नीमच की वास्तविक स्थिति यह है कि यहाँ शमशान के बिल्कुल 50 मीटर दूरी पर ही स्कूल होने की वजह से ना तो बच्चे स्कूल पढ़ने पहुँच पा रहे हैं, ना शिक्षक बच्चों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। सीटीवी हलचल के लिए कैमरा पर्सन तबरेज अगवान के साथ विकास राव सिंह। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा ने स्कूल में तरह तरह की व्यवस्थाएं जुटाई है, स्कूल में कंप्यूटर तक लगवाए ताकि बच्चे डिजिटल शिक्षा से जुड़े, लेकिन इतना करने के बाद भी कोई बच्चा स्कूल आने को तैयार नहीं है। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शिक्षा को लेकर कई अभियान चला रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे उनके प्रयास को पलीता लगा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा दहशत के कारण अधूरी है, लेकिन कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हम सब बड़े का नारा भले ही जोरों शोरों से लगा ले, लेकिन ये तस्वीरें सरकार के अभियानों की पोल खोल रही है। शहर के बीचों बीच स्थित एक स्कूल की जब हालत है तो गाँव में संचालित होने वाले स्कूलों का क्या आलम होगा। बहरहाल इस स्कूल में दहशत के कारण कई बच्चे अपनी शिक्षा छोड़ चुके हैं और वे हमेशा के लिए शिक्षा के लिए वंचित हो जाएंगे।